का मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी सिलेक्टर पर हम बात कर रहे हैं विमेंस बिग बैश लीग T20 के आज के इस मैच के बारे में, जो कि इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला होगा। एडिलेड स्ट्राइकर विमेन और सिडनी सिक्सर विमेन टीमों के बीच में रे मिचल ओवल हैरू पार्क मैके के अंदर यह मुकाबला भारत के समय के अनुसार सुबह 10:10 पर स्टार्ट हो जाएगा। इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके पहले सबसे पहले हम बात करें टीमों की, तो जो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम है इनका स्क्वाड क्या है वो तो आगे आपको मैं बताऊंगा, इनका पहला मैच भी होगा। जबकि सिडनी सिक्सर विमेन की जो टीम है यह इनका ओवरऑल दूसरा मैच होगा। एक मैच यह टीम ऑलरेडी खेल चुकी है, जिसमें अगर आप जाकर के देखें तो इनका जो स्क्वाड है वो अनचेंज्ड है, क्योंकि पिछला मैच ये टीम जीत करके भी आ रही है ब्रिस्बेन हीट विमेंस टीम के खिलाफ, जिसमें 143 रन बनाए थे इन्होंने 6 विकेट पर, और एक स्कोर को चेंज करते हुए इन्होंने 4 विकेट से काफी शानदार जीत यहां पर दर्ज की थी। जिसमें हालांकि इनके जो ओपनर्स थे एलिसा हेरी और सूजी बेट्स दोनों के दोनों सुपर फ्लॉप गए और उस मैच में कुछ खास यहां पर कमाल करते हुए नजर नहीं आए। जबकि यहां पर जो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम है आपको मैंने बताया कि इनका पहला मैच होगा, लेकिन उसके पहले अगर हम बात कर लें यहां पर पिच रिपोर्ट की, तो जो रे मिचल ओवल हैरू पार्क मैके का मैदान है यहां पर ऑलरेडी जैसे हमने को बताया भी कि एक मैच यहां पर सिडनी सिक्सर की टीम खेल चुके, तो वो मुकाबला इसी मैदान पर हुआ था रे मिचल पार्क पर ही, और उस मैदान पर देखने को साफ साफ मिला उस मैच में खास करके जब ब्रिस्बेन हीट की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाया 8 विकेट पर, तो 143 रन बना करके 6 विकेट पर सिडनी सिक्सर की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। और मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्ड करने के लिए ही जाएगी, क्योंकि चेजिंग यहां पर थोड़ा सा आसान होता है, शुरू में थोड़ा तेज गेंदबाजों की मदद भी मिलती है। और उस जो पहले वाले मैच में देखें तो 141 और 143 का जो स्कोर बना था उसमें पहले इनिंग में 7 विकेट तेज गेंदबाजों को और 1 विकेट स्पिन गेंदबाज को मिला, दूसरे इनिंग में 3 विकेट यहां पर तेज गेंदबाज को, 3 विकेट यहां पर स्पिन गेंदबाजों को मिला। तो सेकंड इनिंग में जाकर के पिच काफी बैलेंस हो जाती है स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के लिए, लेकिन पहले इनिंग में यहां पर थोड़ी तेज गेंदबाजों के लिए मदद ज्यादा होती है। ओवरऑल अगर यहां पर देखें तो जो 16 मुकाबले खेले गए हैं 8 मुकाबले जीते हैं चेज करने वाली टीम, 8 मुकाबले जीता यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम, तो दोनों ने लगभग बराबर के मुकाबले यहां पर जीते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर स्पिन वर्सेस पेस की कि किसके खाते में कितने विकेटें यहां पर गिरी, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि 105 विकेट यहाँ पर तेज गेंदबाज निकालने में अभी तक कामयाब हुए हैं 16 मैच में, जिसमें 52 पहली इनिंग में 53 सेकंड इनिंग में, जबकि 72 विकेट यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को मिले हैं 34 पहली इनिंग में 38 सेकंड इनिंग में। तो स्पिन गेंदबाज सेकंड इनिंग में थोड़े से यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करवाते जरूर है, लेकिन तेज गेंदबाज पूरे मैच के दौरान यहाँ पर विकेट निकालते हुए आपको ज़्यादातर दिखाई पड़ेंगे, खास करके इस विमेंस मैच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, खास करके टॉस के हिसाब से, टॉस पर ही डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम क्या यहाँ पर फैसला करती है अपने हिसाब से, और उसी हिसाब से हमारी फाइनल टीम भी बनेगी, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, दोनों में हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए आज के इस मैच की फाइनल टीम के लिए, एडिलेड स्ट्राइकर के फाइनल बैटिंग ऑर्डर के लिए भी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं कबड्डी की टीमें भी प्रोवाइड कराता हूँ अपने टेलीग्राम के चैनल पर, आप जाकर के देखिए कि किस तरह से हम लोग पूरी तरह से वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर रहे हैं कबड्डी के मैचेस में। 3-3 मुकाबले, आज भी 3 मुकाबले हैं प्रो कबड्डी के, उसके अलावा हम T10 भी कवर करेंगे जिसमें आज का ओमान D10 भी है। तो डेफिनेटली जिस तरह से हम कवर कर रहे हैं, जिस तरह से हम विनिंग कर रहे हैं, वो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम पर सारे सबूत देख सकते हैं। तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम के चैनल को, आज के इस मैच की फाइनल टीम भी आपको वहीं पर मिलेगी, लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टेलीग्राम के चैनल का। तो इस वीडियो को चाहे तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, चाहे पिन कमेंट सेक्शन में चले जाइए, दोनों जगहों पर आपको जो लिंक देखने को मिले उसको क्लिक करिए, सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचिए और नीचे के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन करिए, जहां पर आपको डेली कम से कम मिनिमम 20,000 रुपए का गिव अवे तो डेली आपको मिलता ही मिलता है, तो फ्री में हजारों रुपए जीतने के भी चांसेस होते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिए। बाकी पिच रिपोर्ट को आप उम्मीद करूंगा आपने ध्यान से देखा होगा। अब हम बात करें यहां पर प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स की बात करते आपको बता दूं यहां पर आपको प्लेयर के बैटिंग बॉलिंग स्टाइल का तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ हेड टू हेड स्टैट्स यानी कि एक दूसरे के खिलाफ कैसा खेलते हैं टीमों के खिलाफ, इस मैदान पर उनका क्या रिकॉर्ड है 2022 में, रीसेंट फॉर्म किस तरीके का है, अगर उन्होंने पिछला सीजन WBBL का खेला है यानी कि विमेंस बिग बैश लीग का, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, और पूरा करियर भी उनका यहाँ पर हम देखते चलेंगे एक साथ में। तो बेसिकली अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम ना सिर्फ खुद बना पाएंगे बल्कि विन भी कर पाएंगे। तो पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेनो डॉटन जो कि वेस्ट इंडीज से आते हैं, राइट हैंडेड बैटर है, राइट हैंड फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 4 हेड टू हेड मैच में 110 रन है, 37 का एवरेज है, 3 विकेट भी ले चुके हैं, तो एक बढ़िया और ओवरऑल काफी जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है इनका हेड टू हेड में यानी कि सिडनी सिक्सर की टीम के खिलाफ। बाकी इस मैदान पर इनके 2 मैच में 11 रन है, 3 विकेट है, तो जब बॉलर काफी कामयाब रही है। बाकी 2022 का रीसेंट फॉर्म भी देखें तो वो भी काफी जबरदस्त है, 10 मैच में 263 रन, 33 का एवरेज और 9 विकेट। करियर भी यहां पर आप देख सकते हैं 182 मैच में 3,700 से ज्यादा रन है, 97 विकेट हैं। इसके बाद केटी मैक बहुत जबरदस्त बैटर है, 13 हेड टू हेड मैच में 277 रन है, 35 का एवरेज है, इस मैदान पर भी 6 मैच में 136 रन है, 34 का एवरेज है। पिछला वाला जो BBL गया है पिछला सीजन 17 मैच में 513 रन बनाए थे इन्होंने 64 के जबरदस्त एवरेज से, जबकि 2022 में भी ये T20 नहीं खेली है, 2021 में इन्होंने 26 मैच में 613 रन बनाए हैं 38 के एवरेज से, तो फॉर्म भी काफी जबरदस्त है। बाकी करियर आप देख सकते हैं 131 मैच में 2,000 से ज्यादा रन बना चुकी हैं। इसके बाद है साउथ अफ्रीकन लॉरा वर्ल्ड वार्ड जो कि राइट हैंडेड बैटर है, हेड टू हेड में 7 मैच में 89 रन है, 22 का एवरेज है, जो कि इस मैदान पर 2 मैच में
25 रन है। पिछला सीजन भी इनका काफ़ी अच्छा रहा था WBBL का, 2021 का 70 मैच 381 रन थे 29 के एवरेज से, और 2022 में इनका और भी बेहतर रहा है, 18 मैच 607 रन और 61 का बैटिंग एवरेज। करियर यहाँ पर आप देखते चलिए जो बड़े वाले ब्रैकेट्स में है उससे आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी किसी भी प्लेयर का। इसके बाद तहलिया मैग्रा जो कि नंबर 3 पर भी मेरे ख्याल से आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही अच्छी ऑप्शन भी होंगी मेरे हिसाब से। हेड टू हेड में इनके 14 मैच 240 रन है, 22 का एवरेज है, 6 विकेट हैं, इस मैदान पर 5 मैच 109 रन है, 3 ही बार आउट हुए, 2 बार नॉट आउट लौटे हैं, 3 विकेटें भी हैं, एक राइट हैंडेड बैटर है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, जो कि पिछले सीजन में 70 मैच 338 रन इन्होंने बनाए थे 42 के एवरेज से और 12 विकेटें भी थी, जबकि 2022 का रीसेंट फॉर्म देखें तो वो तो और भी जबरदस्त है, 18 मैच 369 रन, 36 का शानदार एवरेज और 15 विकेटें। करियर एवरेज स्टार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्रिजेट पैटरसन राइट हैंडेड बैटर, 15 एट टू एट मैचेस में 16 का एवरेज 172 रन है, 29 का एवरेज इस मैदान पर है, 5 मैचेस 87 रन है। WBBL का पिछला सीजन इनका बहुत खराब गया था, 17 मैच मात्र 94 रन थे, वो पूरा 2021 का भी वही स्टैट्स ही रहा था इनका। करियर के 139 मैच 1800 से ज़्यादा रन है और 17 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद मिडिल ऑर्डर के या लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर एडलिन पीना राइट हैंडेड बैटर है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि ओकेजनली बहुत ही कम बॉलिंग करते हैं, लेग स्पिन बॉलर है, 5 हेड टू हेड मैच 25 रन है। WBBL का पिछला सीजन भी 14 मैच 144 रन था, 29 का एवरेज था, वही 2022 का भी स्टार्ट है, 21 का बेसिकली 22 का नहीं, 38 मैच करियर के 320 रन है, 13 विकेट हैं। उसके बाद टेगन मैकफर्लिन विकेट कीपर है, इनकी भी स्टैट्स आप सारे देख लीजिए। बाकी एमांडा जेड विलिंगटन बेहतरीन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर बेसिकली, जिनको बैटिंग उतनी मिलती नहीं है, लेकिन 15 हेड टू हेड मैच 54 रन है, 11 विकेट हैं, इस मैदान पर 5 मैच 28 रन है, 8 विकेट हैं, जैसा कि एक राइट हैंड मीडियम पेसर को यहाँ पर मदद भी मिलती है। 2021 में BBL का जो सीजन हुआ था पिछला विमेंस BBL, 17 मैच में शानदार 23 विकेट इन्होंने निकाले थे, और इस साल इनका फॉर्म जबरदस्त है, 8 मैच में 17 विकेट हैं, जबकि करियर के 173 मैच 896 रन है और 199 विकेट हैं, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर आपके लिए अवेलेबल है, जिनको आप अपनी टीम में जरूर सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है मेगन सूड, विमेंस क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 15 हेड टू हेड मैच 12 विकेट इस मैदान पर, 5 मैच 6 विकेट है, 2021 का BBL जो था उसमें 13 मैच में 13 विकेट थी, जबकि इस साल भी 17 मैच 17 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद डार्सी ब्राउन एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर, 3 हेड टू हेड मैच में 4 विकेट हैं इस मैदान पर, 2 मैच में 4 विकेट है, पिछले सीजन में इनका 15 मैच में 20 विकेट थी, 2022 में 9 मैच में 7 विकेट हैं, करियर के 37 मैच में 38 विकेट हैं। इसकी बात है अनेसु मुसांगवे जो कि राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, T20 करियर में अभी तक 26 मैच 34 विकेट ले चुके हैं, जो कि 2022 में 7 मैच में 10 विकेट है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगी और ग्रैंड लीग की वन ऑफ द बेस्ट पिक अगर ये प्लेइंग 11 में खेलती हैं। बाकी बेंच पर आपको जिमा बांसवी भी दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ एनी ओ'नील, इनके भी स्टैट्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो रही आज के इस मैच में पहला मुकाबला, आज पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का खेलने वाली एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन की टीम की कंप्लीट स्क्वाड एनालिसिस। अब बात करेंगे यहां पर दूसरी टीम यानी कि सिडनी सिक्सर की, इनकी टीम पिछला वाला मैच जीत के आ रही है, आपको बता ही चुका हूँ, एलिसा हेली और सूजी बेट्स 0 और 4 रन बनाकर सुपर फ्लॉप भी गए हैं, जबकि एलिसा हेली का अगर हम हेड टू हेड स्टैट देखें तो रीसेंट फॉर्म इनका बहुत खराब है, 2022 में 17 मैच मात्र 207 रन है, जिसको इन्होंने एक तरह से कंटिन्यू भी किया अपने खराब फॉर्म को, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो इनके पक्ष में जाती है वो हेड टू हेड स्टैट्स, एडिलेड के खिलाफ इनके 15 मैच 536 रन है, 38 का शानदार एवरेज, हालांकि इस मैदान पर 2 मैच मात्र 11 रन है। चाहे WBL का पिछला सीजन देख लें, चाहे 2022 की बात कर लें, इनका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है, 317 मैचों का करियर है, 6,629 रन है। सूजी बेट्स जो कि फॉर्म तो इनकी अच्छी है इस साल, 4 ही रन बना के आउट हुए, हालांकि हेड टू हेड स्टैट्स भी खराब है, 2 मैच मात्र 3 रन है, लेकिन इस मैदान पर 3 मैच में 113 रन है, 57 का एवरेज है, 1 बार नॉट आउट रही है, जबकि 2022 का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, 21 मैच में 654 रन है, 36 का एवरेज है, 2 विकेट है, और करियर तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं करीब ऑलमोस्ट 10,000 रन है, 355 T20 मैचेस में, 199 विकेट। इसके बाद है एलिस पेरी मेरी आज की इस मैच की कप्तान, राइट हैंडेड बैटर, राइट हैंड फास्ट मीडियम बॉलर, 55 रन की पारी खेली पिछले मैच में, 2 विकेटें मिली, 4 ओवर में 27 रन देखे। इसके पहले हेड टू हेड की बात कर लें तो 13 मैच 389 रन है, 35 का एवरेज, 6 विकेट, तो यह रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, इस मैदान पर 2 मैच में 42 रन है, पिछला सीजन भी का बहुत अच्छा रहा था जब बैटर कम से कम WBBL का, 2022 में भी अभी अच्छे फॉर्म में है, जिसको इन्होंने कंटिन्यू भी किया, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा करियर तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसके बाद एशले गार्डनर पिछले मैच बॉलिंग से कुछ भी नहीं कर पाई, बैटिंग से केवल 2 ही रन बनाए, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, राइट हैंडेड बैटर है, 4 मैच ओवर में 28 रन, जबकि 15 हेड टू हेड मैच 258 रन है, 22 का एवरेज है, 3 विकेट है, इस मैदान पर इस मैच के पहले 2 मैच में 1 विकेट था, तो इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, और स्पिनर के लिए कुछ खास यहाँ पर होता भी नहीं है। बाकी BBL का जो पिछला सीजन था वो काफ़ी ठीक ठाक ही रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह साल भी इनका ठीक ठाक ही रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है, बाकी 157 मैचों का करियर है, 2,806 रन है और 78 विकेट। इसके बाद एरिन बर्न्स पिछले मैच में नंबर 5 पर आई, टॉप ऑर्डर के जाने के बाद बहुत ही अच्छी 150 रन की पारी खेली, बाकी हेड टू हेड मैच भी 12 मैच 140 रन, 23 का एवरेज, 6 विकेट हैं, बॉलिंग नहीं की पिछले मैच में, इसके पहले 2022 में 2 मैच में 33 रन थे, 1 विकेट था। इसके बाद सोफी एक्लिस्टन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 4 ओवर में
37 रन देखे, एक विकेट लिया पिछले मैच में, 10 रन भी बनाए बल्ले से। 2022 की स्टार्ट देख सकते हैं, जब बॉलर 24 मैच में 32 विकेट हैं। इसकी बात है निकोल बोल्टन 9 रन बना के नवाज रही पिछले मैच में, बॉलिंग की नहीं इन्होंने, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, राइट हार्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। 13 हेड टू हेड मैच में 282 रन है, 28 का एवरेज है, 3 विकेट हैं। इस मैदान पर इसके पहले 2 मैच में 44 रन थे। बाकी पिछला सीजन काफ़ी अच्छा रहा था इसका, BBL का यह साल भी का काफ़ी अच्छा रहा है, 13 मैच में 247 रन। बेसिकली ये साल नहीं, 2021 रिसेंट फॉर्म के हिसाब से हम देख रहे हैं, जो कि वही BBL की ही परफॉर्मेंस है, बाकी करियर तो आपके सामने है ही। इसके बाद मैटलन ब्राउन पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, इन्होंने 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेटें चटकाई। हेड टू हेड में भी 8 मैच में 8 विकेट, इस मैदान पर 3 मैच में 5 विकेट है, 8 विकेटें हैं 13 मैच में पिछले साल के BBL में, 73 मैच में 55 विकेट है करियर के। बाकी एनजी जेनफर्ड राइट आर्म मीडियम फास्ट एक ही ओवर किया, विकेट निकालने में कामयाब रहे। इसके बाद लॉरेंस चीटल आती है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लिया। बाकी हेड टू हेड वगैरह भी आप देख सकते हैं, 5 मैच में 5 विकेट है इस मैदान पर, इसके पहले 2 मैच में 6 विकेट थी, परफॉर्मेंस काफ़ी जबरदस्त रही थी। बाकी केट पैटरसन इनको बैटिंग बॉलिंग मिली नहीं पिछले मैच में, ना ही इन्होंने कुछ खास अभी तक किया हुआ है अपने करियर में। बाकी जेड एलन और हेनर थ्रेट भी आप यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो रही कंप्लीट स्क्वाड एनालिसिस का, एक मैच खेल चुकी है सिडनी सिक्सर की टीम का, यहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस भी करके दी मैंने आपको हर एक प्लेयर की। बाकी एडिलेड स्ट्राइकर वीमेंस टीम का आप देख ही सकते हैं, देख ही चुके हैं, बाकी पिछले मैच के बारे में भी बताया, उसके बेसिस पर पिच रिपोर्ट को भी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। बाकी ये तो आपको बता ही चुका हूँ कि आज के इस मैच की फाइनल टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन किए गए कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल का। और फिलहाल के लिए ये टीम बना करके आप सेव कर लीजिए, इसमें एलिसा एली आपके विकेट कीपर होंगे एकमात्र चॉइस है, बेस्ट चॉइस। बाकी सूजी बैट्स एशले गार्डनर लॉरा वाल्डवार्ट और केटी मैक के रूप में आपका 4 हो जाएगी बैटिंग ऑप्शन। बाकी एलिस पेरी डीएनए डॉट इन तहलिया मैग्रा के रूप में जाएंगे 3 ऑलराउंड सेक्शन के प्लेयर। बाकी सोफी क्लेस्टन मेगन सूट और एमांडा विलिंगटन के रूप में हो जाएंगे आपके 3 बॉलिंग चॉइस। एक चीज़ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एशले गार्डनर को हटा करके अपनी टीम में लेके आ सकते हैं मैटलन ब्राउन, जो कि ऑलराउंड सेक्शन में दिखाई पड़ेंगे, पिछले मैच में 3 ओवर में 3 विकेट भी चटकाई थी उन्होंने। हालांकि एशले गार्डनर एक ऑलराउंडर है, तो जब बैटर है जब बॉलर दोनों जगह पर इनके पास कंट्रीब्यूशन करने के मौके होते हैं, तो आप चाहें तो चेंज ये कर सकते हैं, जो कि एक स्पिन गेंदबाजी है, मैटलन ब्राउन आपको एक अच्छी तेज गेंदबाजी ऑप्शन मिल जाएंगी, और उनको तभी आप पिक करिए अगर वो पहले इनिंग में बॉलिंग करने का मौका मिलता है डेथ ओवर्स में, क्योंकि डेथ ओवर बॉलर है भी वो, तो उस कंडीशन में आप उनको पिक कर सकते हैं। बाकी टीम ओवरऑल यही रहेगी, कप्तान वाइस कप्तान आपके पास चॉइसेस हैं, डीएनओ डॉटिन एक अच्छी ऑप्शन है, सूजी बेट्स एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, ग्रैंड लिख लिया हेली तो एक जबरदस्त ऑप्शन है ही, और साथ ही साथ एमांडा जेड विलिंगटन इनको भी आपको मैं प्रेफर करूंगा ग्रैंड लीग में, खास करके एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो ये टीम बना के सेव कर लीजिए, बाकी ऑप्शंस जो बताएं उनको जरूर आप डिस्कवर करिए। इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलते हैं, नमस्कार।